कहां रह गई? न जाने क्यों भाई ने मुझे अपने पास हरमन काया क्यों बुलाया है? तुम्हें ये अजीब नहीं लगता क्या? काफी वक्त से वो आपसे मिले नहीं, हो सकता है आपकी याद सता रही हो। नहीं कॉर्नेलिया, अगर उसे मेरी याद सताती खुद चलकर मेरे पास आ जाते। यकीनन कोई अहम बात होगी मोहतरमा, आपके भाई आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं हर कोई जानता है, यहाँ तक के दुश्मन भी। कैसी बातें करती हो, क्या इसी वजह से तुम हमारे निकलने से फिक्रमंद हो? कौन है जो मिकाइल कोसिस की बहन का कुछ बिगाड़ेगा, जबकि मेरे काफी पहरेदार हैं। हम एक साथ उन पर हमला करेंगे, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, उन्हें दूर जाने नहीं देना, हत्ता कि अगर गाड़ी को चलाने वाला घोड़ा भागे तब भी। सही सलामत चाहिए। जैसे आपका हुकुम सरदार। इत्मीनान रखो थोड़ा, Ah!
हरमान काया के तेगपुर मिखाइल कोसिस की आंखों का तारा। खुशामदीद मारी। ये मेरा हुक्म है, तमाम मुहाजरीन से मुलाकात की जाए और मेरी इजाजत के बगैर कोई भी घोड़े पर सवार नहीं होना चाहिए और कोई भी अपनी तलवार मेरी इजाजत के बगैर बाहर मत निकाले। ये बात हर कोई जहन नशीन कर ले। अगर कोई मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी करता है तो उसे अपने अंजाम से भी वाकिफ होना चाहिए। अल्लाह सलामत साहब। अल्लाह हिफ्ज़ो अमान में रखे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। या अल्लाह, हुजूर, बेलाजिक का तैकफुर रुगातूस लास्कर साहब से मिलने का ख्वाहिशमंद है। आला आला। खैरियत तो है मेरे भाई? बिल्कुल भाईजान, खैरियत है। खुश आमदीद रोगतोस। शुक्रिया उस्मान साहब। तैकफुर कोसिस, आपकी बहन को लाने वाले काफिले पर जनाब हमला हो गया है। उन्हें किसी ने अगवा कर लिया। हमने कैद में लिया है उन्हीं के सरदार ने यह हरकत की है। मेरी बहन के बदले अपने खास सिपाहियों का तकाजा करेगा, जानता हूं मैं। अब आप क्या करने वाले हैं? सोच चुका हूं मैं। मैं पूरी दुनिया उनके सरों पर पलट दूंगा। हम उन्हें सूली पर चढ़ाएंगे, उनके सीने चीर डालूंगा, उनकी खोपड़ियों से खेलूंगा मैं। लेकिन बहन को कैसे बाजियाब कराएंगे? जो चिड़िया को सिर्फ एक पत्थर मारता है वो अहमक कहलाता है नस्तूर। याद रखना हमेशा, वो कमजोर न समझे निकोला को। मैं उनके लिए ऐसी चाल तैयार करूंगा कि वो मेरी चाल को हल करते करते हर कदम पर मेरी गिरफ्त में आते जाएंगे। उस्मान सरदार के लिए तोहफा तैयार करवाओ, मैं उनसे मिलने जा रहा हूं। अब अपना तारुफ कराने का वक्त आ गया है। कैसा तोहफा? वही तोहफा जो तुर्कों को सबसे ज्यादा पसंद है। हाजिर जनाब। तैकफुर लियो और आपके बाबा अर्तुरुल गाजी के दौर से चलती चली आ रही इस दोस्ती को मैं जारी रखना चाहता हूं।
आला, अच्छा ख्याल है रोगातुस। हम यही चाहते हैं और ये भी जानते हैं कि लियो की तरह आप भी लास्करस खानदान से तंग हैं। मतलब साफ वाजे है कि आपके हाकिम और शहंशाह से कोई अच्छे मुरासिम नहीं है। हाँ, आप बिल्कुल दुरुस्त हैं और मैं इस दोस्ती के लिए हमेशा पूरी उम्मीद हूं। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। पादरी ग्रेगोर, जिन्हें अब मेरी हिफाजत में होना चाहिए था, बदकिस्मती से उन्हें किसी ने अगवा कर लिया। मैं उन्हीं की तलाश में हूं, उन्हें ढूंढ रहा हूं। पता नहीं किस मकसद के लिए उन्हें अगवा किया गया। क्या आपके पास इस हवाले से कोई मालूमात है उस्मान साहब? आखिर मेरा आपके पादरी से क्या लेना देना है हाकिम रोगातुस? ये सवाल मुझसे पूछने की वजह क्या है? जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले कहा, करीबी कलेदारों और शहंशाह से मेरे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। पादरी ग्रेगोर शहंशाह की कैद से भागकर आए हैं। वो पनाह लेने के लिए मेरी तरफ आ रहे थे और पनाह लेने वाले हमारे लिए बहुत खास हैं उस्मान साहब। पनाह लेने वाले हमारे लिए भी बहुत अहम है। हैरत है पादरी को अपने ही लोगों में पनाह क्यों लेना पड़ी। अगर आपकी अंदरूनी सूरत हाल ऐसी है तो मुझे कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। क्या अपने हर फरार होने वाले आदमी के बारे में मुझसे आकर सवाल करेंगे? पादरी ग्रेगोर मेरे दोस्त हैं, उन्हें तलाश कर लूंगा उस्मान साहब। अगर वो खुद फरार हुआ है तब भी मुझे इल्जाम दोगे? ज्यादा दुश्मन तो है ही नहीं आपके। वैसे भी आपका नस्ब काफी बड़ा है दूसरे कबीलों से। शहंशाह भी जानता होगा जरूर, यही चीज आपको उनका दुश्मन और मेरा दोस्त बना सकती है। हम हाकिम लियो के दोस्त थे। दोस्ती का हाथ आपकी तरफ भी बढ़ाएंगे। मुझे उम्मीद है उस्मान साहब, उम्मीद है। आप सलामत रहें। अब हमारी औताक में आकर वो पादरी का पूछ रहे हैं, ये कम नहीं था। पूछताछ भी कर रहे हैं। मैंने कहा था, कहा था, ये मामला बहुत गहरा है, बहुत गहरा। इजाजत चाहता हूं उस्मान साहब। जो हुआ सो हुआ भाईजान, और जो होना चाहिए था वही हुआ। मोहतात तरीके से पादरी की हिफाजत कीजिए। जैसा आपका हुक्म जनाब। तुम्हारे चेहरे पर फूल खिल रहे हैं। क्या कोई खबर जन्नत से आई है क्या मेरी बेटी? बाला, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने दिन दिखाया मुझे और मेरी दुआएं कबूल कर ली। आप सही कहते थे, अल्लाह की जात से मायूस नहीं होना चाहिए।
मैं बहुत खुश हूं बाबा। मैं वालदा बनूंगी इंशाल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का लाख शुक्र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह तुमने अपने सब्र को इंतजार से मुसय्यन किया मेरे गुलाब। वो मेरा प्यारा रब जो दुआएं कबूल करता है उसी ने तुम्हारे नसीब में औलाद लिख दी। जब मुझे यकीन हो गया कि अब कुछ नहीं हो सकेगा तो आपके अल्फाज ही मेरे दिल का दरमा बने या शेख मोहतरम। और आपको खुश देखकर मुझे और खुशी मिल रही है। रब करीम अपने प्यारे बंदों का इसी तरह इम्तिहान लेता है। मुझे खुशी है कि तुमने अपनी जात पर अपने कबीले सरदार और तमाम आलम इस्लाम को फौकियत दी मेरी बाला। हमारी ये खुशी तुम्हारी जिंदगी का बड़ा इनाम है। तो हम कबीले में इस खुशी का ऐलान कब करेंगे? वो वक्त भी जल्द आएगा बेटी, मेरी जान इंतजार करो।
ले आओ इन्हें। हरकत की भारी कीमत अदा करोगे वैशी इंसान। क्या कहा वैशी? जब तक यह वैशी अपने जंगजू वापस नहीं ले लेता, तुम यहां मेहमान हो। तैकफूर कोसेस, खुशामदीद। शुक्रिया सिपाही। मैं सरदार उस्मान से मिलना चाहता हूं। जी उन्हें आपकी आमद का इल्म है, आने दो। इजाजत है हुजूर। इजाजत है। खुशामदीद मिकाइल कोसेस, खैरियत है? सरदार, मैं आपके बेटे और हान के लिए कीमती नस्ल का घोड़ा लाया हूं। आपके यहां कहा जाता है घोड़े तुर्कों के पर हैं। उम्मीद करता हूं आपको तोहफा पसंद आएगा और आपका बेटा इस घोड़े पर बैठकर खुशी महसूस करेगा। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। आज रोगतूस लास्करस आए थे, किसी पादरी ग्रेगोर का जिक्र कर रहे थे। लगता है आप भी उसी के लिए आए हैं। बैठ जाए। बिल्कुल भी नहीं, काश के इस सिलसिले में आया होता। रोगतूस और ना ही उस पादरी ग्रेगोर से मेरा कुछ लेना देना नहीं है उस्मान साहब। तो फिर मसला है क्या? मेरी बहन, जो काफला मेरी बहन मारी को लेकर आ रहा था उस पर हमला किया गया है।
और यह हमला किसी तुर्क सरदार ने किया है। तुर्गुत नाम है। आप तो उसे जानते ही होंगे। क्या आपके यहां खवातीन को अगवा करने की भी कोई रिवायत है उस्मान साहब? क्या आपके यहां ऐसा भी होता है कि गैर मुस्लिम खातून जो अपने घर जा रही हो उस पर हमला कर दिया जाए? क्या आपके यहां किसी गैर मुसल्ला के खिलाफ तलवार उठाने का कोई रिवाज है उस्मान साहब? जबान को लगाम दो। जो बोलना सोच कर बोलना कोशिश। मैं सोच समझ कर ही बात कर रहा हूं। हमने आपको इस तमाम तुर्क इलाके का हाकिम समझा। हमारा ख्याल था कि इस इलाके की हुदूद में कोई भी तुर्क शहरी आपकी इजाजत के बगैर जुर्रत नहीं कर सकता कुछ भी करने की। या फिर मेरी सोच गलत थी? तुमने ठीक सोचा कोशिश। मैं भी सोच विचार से काम लेता हूं। मैं अपने दोस्त और दुश्मन का चुनाव खुद करता हूं। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूं और इस वक्त मैं ये भी नहीं जानता कि उस हमले में वो जिंदा भी है या नहीं। उस्मान साहब, मुझे इस वक्त आपकी मदद की जरूरत है। मैं अगर अपनी बात को साफ साफ कहूं तो मेरे आने का सबब यही है। हर वो शख्स जो मेरे दरवाजे पर आता है और मुझसे अपनी बेचारगी और मजलूमियत का इजहार करता है, उसे बेजार और मददगार हरगिज नहीं छोड़ता। मैं खबर का इंतजार करना मायूस नहीं करूंगा, लेकिन अगर तो कोई गलती तुम्हारी तरफ से हुई तो तीरों का रुख तुम्हारी तरफ ही होगा। खुदावंद गवाह है कि मुझे सिर्फ सही सलामत अपनी बहन वापस चाहिए। जैसा सुना था आपको वैसा पाया। खुशी हुई मिलकर। सिपाहियों, हुजूर, घोड़े तैयार करो। तुर्गुत की तरफ जाएंगे हम। उसके बाद यह पता लगवाएंगे कि कोशिश की बहन को अगवा करने वाला आखिर कौन हो सकता है। इस कार्रवाई का असल मकसद जानना है। जैसे आपका हुक्म। जो आपका हुक्म मेरे सरदार। इजाजत है खवातीन? आपको भूख लगी होगी, कुछ खा लीजिए। आप हमें जहर देना चाहते हो क्या? डरना मत। मैं तो नहीं, मगर
कोई और आपको जहर देना चाहता है। शुक्रिया सुनना चाहते हो मुझसे? मैं तुम जैसे वैश्य का कभी शुक्रिया अदा नहीं करूंगी जिसकी ताकत एक औरत के सामने चलती है। देखें खातून, आपसे कोई मसला नहीं। आपके भाई कोसिस ने मेरे सिपाहियों को कैद कर रखा है। अगर आपका भाई मेरे सिपाहियों को सही सलामत लौटा देता है तो फिर आप यहां से जा सकती हैं। मेरा भाई कोसिस तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। देखते हैं फिर। तलवार को पकड़ता है, बाजू बाकी जिस्म को जोड़ता है। तुम मेरा दायां हाथ हो। इस खबर को लेकर तुम कभी नहीं जाओगे। कोसिस का जख्म गहरा है, हमें तकलीफ पहुंचा सकता है। बात सुनो, कोसिस तक पहुंचाओ। सरदार अर्दुरुल गाजी का जानशीन हूं उस्मान।